हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस चैप्टर के एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस जो चैप्टर है उसका एग्जांपल आप अगर इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे, उसके जितने भी इक्वेशंस दिए हुए हमको वो याद रखोगे तो उसके एग्जाम्पल बहुत ही ईजी हो जाएंगे। एनालिटिकल एग्जाम्पल, इसके दोनों टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, फाइनल एग्जाम में एनालिटिकल एग्जाम्पल भी आते हैं और ग्राफिकल भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनालिटिकल देख लेते हैं। तो एनालिटिकल एग्जाम्पल, एनालिटिकल मेथड से जो हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं उसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखने होंगे, इक्वेशंस याद रखने होंगे। ओके, तो ये इक्वेशंस यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो कौन से इक्वेशंस हैं? इक्वेशंस टू फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स। ओके, एग्जाम में आपको जो एग्जाम्पल आते हैं उसमें आपको कहते हैं कि फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा एन वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा एन टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड लोकेट प्रिंसिपल प्लेन्स। लोकेट प्रिंसिपल प्लेन्स मीन्स अल्फा वन ने अल्फा टू आपको फाइंड करना होगा, अल्फा वन ने अल्फा टू। ओके, यहाँ पे लिखा है सिग्मा वन सिग्मा एन वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा एन टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा टी मैक्सिमम वो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, सिग्मा वन सॉरी अल्फा वन एंगल ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन विथ वर्टिकल प्लेन, एंड अल्फा टू एंगल ऑफ मेजर माइनर प्रिंसिपल प्लेन विथ वर्टिकल प्लेन। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस और उसको लोकेट करने के फॉर्मूला है प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, और दूसरा एक फाइंड हमको पूछते हैं एग्जाम में फाइंड करने के लिए, वो है फाइंड नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर ऑन ईएफ प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन हमको दिया होता है एंगल पे, उस इंक्लाइन प्लेन ईएफ पे नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड रिजल्ट स्ट्रेस हमको फाइंड करने के लिए बोलते हैं, ये उसका फॉर्मूला होगा। ओके, यहाँ पे सब दिए हुए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतने एग्जाम्पल इतने फॉर्मूला आप याद रख लोगे तो आपको प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस के एनालिटिकल मेथड में जितने भी एग्जांपल आएंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसमें अलग अलग केसेस आएंगे, मतलब में अलग अलग टाइप के एग्जांपल आएंगे। कोई एग्जांपल ऐसा होगा कि जिसमें आपको सिर्फ मेजर डायरेक्ट स्ट्रेस दिया होगा, माइनस डायरेक्ट स्ट्रेस और सीएस स्ट्रेस नहीं दिया होगा, तो उसको जीरो ले लेंगे इस तरह से, मेजर डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, सिग्मा टू एंड टाउ जीरो। उसके बाद टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज गिवन, सिग्मा वन सिग्मा टू दिया होगा, टाउ जीरो होगा, सी एस स्ट्रेस नहीं दिया होगा, जो नहीं दिया होगा उसको हम जीरो कंसिडर कर लेंगे। वन डायरेक्ट स्ट्रेस एंड सी एस स्ट्रेस इज गिवन, एक डायरेक्ट स्ट्रेस दिया होगा उसको सिग्मा वन ले लेंगे, टाउ दिया होगा और सिग्मा टू जीरो। ओके, यहाँ पे ले सकते हो टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज गिवन, सी एस स्ट्रेस जीरो, यहाँ पे सिग्मा वन दिया हुआ है, सी एस स्ट्रेस दिया हुआ है, सिग्मा टू जीरो, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, सिग्मा वन सिग्मा टू टाउ। ओके, तो इस केसेस के एग्जांपल आते हैं, जो दिया होगा वो लेना है, जो नहीं दिया उसको हमें जीरो कंसीडर करना है। ओके, अभी सिग्मा वन ने सिग्मा टू का सिंबल, ओके चलो आप एग्जांपल ही एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें ही आपको बताऊंगा मैं किस तरह से आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखने हैं कि उसका फॉर्मूला क्या आता है। ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। ओके, 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंसाइल एंड 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर एक्टिंग ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स विथ शियर स्ट्रेस ऑफ 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड लोकेट प्रिंसिपल प्लेन्स। मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करना है सिग्मा एन वन सिग्मा एन टू एंड उसको लोकेट करना है, मतलब अल्फा वन अल्फा टू हमको फाइंड करना है। ये जो एग्जाम्पल है वो समर 2018 जीटीयू के फाइनल क्वेश्चन पेपर में आया था। ओके, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा तो सिग्मा वन दिया हुआ है, दोनों में से जो बड़ा होगा उसको सिग्मा वन लेंगे और जो छोटा होगा उसको सिग्मा टू लेंगे। ओके, मेजर डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा वन और माइनर सिग्मा टू। ओके, तो 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंसाइल है, तो सिग्मा वन इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंसाइल है। नाउ सिग्मा टू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अभी सिग्मा टू हमको क्या दिया हुआ है, कंप्रेसिव,
सी अभी एक बात याद रखना, आप इसको याद रखना है कि अगर जो दो स्ट्रेस हमको दिए हुए हैं वो दोनों स्ट्रेस का नेचर अगर अपोजिट हो, नेचर मीन्स एक टेंसाइल हो दूसरा कंप्रेसिव हो, ओके, तो ये अपोजिट हो गया, तो सिग्मा वन जो होगा उसको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, और सिग्मा टू अगर सिग्मा वन से अपोजिट नेचर में होगा तो उसका माइनस लेना है, ओके। अभी सपोज सब दोनों हमें टेंशन दिए होते हैं कि सिग्मा वन जो है टेंसाइल है और सिग्मा टू भी टेंसाइल है, तो दोनों पॉजिटिव आते हैं, दोनों कंप्रेसिव दिए होंगे, सिग्मा वन कंप्रेसिव सिग्मा टू कंप्रेसिव, फिर भी दोनों प्लस ही आते हैं, ओके। अगर सिग्मा वन कंप्रेसिव दिया है और सिग्मा टू टेंसाइल दिया है तो सिग्मा वन को प्लस ही लेना है हमको पॉजिटिव, और सिग्मा टू माइनस आएगा, ओके। कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों का नेचर अगर सेम हो तो दोनों प्लस आएंगे, दोनों का नेचर अगर अपोजिट हो तो सिग्मा वन ऑलवेज पॉजिटिव सिग्मा टू नेगेटिव, ओके। नाउ शियर स्ट्रेस 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वेयर, ओके। शियर स्ट्रेस मीन्स टाउ इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वेयर। फाइंड क्या करना है, फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेसिस एंड लोकेट प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल स्ट्रेसिस आपको मैंने अभी बताया फॉर्मूला उसका, ओके। फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेसिस ने लोकेट प्रिंसिपल प्लेन, तो सिग्मा एन वन सिग्मा एन टू, ओके, ये फाइंड करना है और लोकेट करना है, ओके। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसिस सिग्मा एन वन हमको फाइंड करना है, सिग्मा एन टू फाइंड करना है, ओके, अल्फा वन अल्फा टू, और स्ट्रेसिस दिए है तो हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी यहाँ पे जो दिया हुआ है सिग्मा टी मैक्सिमम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस उसको भी हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, सॉरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उसको भी हम फाइंड करेंगे, ओके। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस ये है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस ये है, और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को भी हम फाइंड कर लेंगे सिग्मा टी मैक्सिमम, ओके। अभी इसका फॉर्मूला लग के हम स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो अभी सबसे पहले हम जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसको फाइंड करते हैं, ओके। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एन वन सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाई टू होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ओके। तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिग्मा एन वन इज इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाई टू होल स्क्वेयर प्लस टाउ स्क्वेयर, ओके। अभी इसको जो हमारी वैल्यू दिया हुआ है हमको वो रख देते हैं, सिग्मा वन कितना है 300, ओके, प्लस सिग्मा टू माइनस 150 है डिवाइड बाय टू, इसको ब्रैकेट में रखना है, जैसे हमको डिवाइड बाय टू दिया हुआ है तो कैलसी में जब इसको अप्लाई करेंगे तो आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। फिर अंडर रूट ऑफ सिग्मा वन 300 माइनस सिग्मा टू है तो माइनस 150, ओके, डिवाइड बाय टू होल स्क्वेयर, ओके। 300 माइनस ब्रैकेट में माइनस 150 डिवाइड बाय टू होल स्क्वेयर, क्लियर, प्लस टाउ स्क्वेयर, टाउ कितना है 80, 80 स्क्वेयर, ओके। अभी ये जो हमको दिया हुआ है इसको हम केएलसी से सॉल्व करेंगे, वन बाय वन करके करेंगे, ओके। 300 प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस 150, ओके। 300 माइनस 150, 150 डिवाइड बाय टू, तो यहाँ पे आ जाता है 75 प्लस। अभी अंडर रूट में करेंगे हम, तो अंडर रूट में सबसे पहले अंदर का करेंगे हम, ओके। तो क्या दिया हुआ है हमको, 300 माइनस माइनस प्लस होगा, ओके, तो 300 माइनस माइनस प्लस 150, ओके, डिवाइड बाय टू स्क्वेयर,
तो 50625 ओके प्लस 80 स्क्वेयर, 80 स्क्वेयर ओके, ये आंसर हमारा आ गया। अभी इसका हमें क्या करना है, रूट निकालना है ओके। तो अंडर रूट ऑफ आंसर ये हो गया 238.799 प्लस 238.799, मतलब हम 8 ले लेते हैं 8 ओके। अभी प्लस करेंगे 75 प्लस 238.8 तो 313.8 न्यूटन पर mm स्क्वेयर सिग्मा इनवर्स ओके क्लियर। तो ये हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा आ गया ओके। ये हमारा है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा इनवर्स क्लियर। उसी तरह अभी सेकेंड वन माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करेंगे ओके। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है हमारा, सिग्मा एन टू ओके। तो उसका फॉर्मूला देखो आप, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, तो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू है, और यहाँ पे भी देख लो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू स्क्वेयर प्लस टाउ स्क्वेयर सिग्मा वन प्लस सिग्मा, मतलब ये दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है ओके। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, ये जो है उसमें सिर्फ यहाँ पे माइनस करना है, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू माइनस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू होल स्क्वेयर प्लस टाउ स्क्वेयर ओके। पूरा वैल्यू हमको यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे वापस 300 प्लस माइनस 150 डिवाइड बाई टू माइनस अंडर रूट ऑफ 300 माइनस माइनस 150 डिवाइड बाई टू होल स्क्वेयर प्लस 80 स्क्वेयर। अभी इसका दोनों का आंसर हमको पता है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है हमको माइनस करना है, 75 माइनस 238.8, तो यहाँ पे जो है उसमें अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे हम ओके, 75 माइनस 238.8 तो 163.8 इज इक्वल टू, देयर फोर सिग्मा एन टू इज इक्वल टू माइनस 163.8 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। तो ये हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो आ गया ओके क्लियर। अभी यहाँ पे हमने टेंसाइल को पॉजिटिव लिया है ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये भी टेंसाइल होगा, और एक माइनस है तो ये कंप्रेसिव होगा क्लियर। तो सिग्मा इन वन सिग्मा टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आ गए। अभी अल्फा वन अल्फा टू सिग्मा टी मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं। चलो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ सिग्मा टी मैक्सिमम, चलो कोई बात नहीं पीछे की ओर कर लेता हूँ। नाउ मैक्सिमम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मतलब कौन सा आएगा, अभी देखो सिग्मा टी मैक्सिमम ओके। तो सिग्मा इन वन माइनस सिग्मा इन टू बाई टू, सिग्मा टी मैक्सिमम सिग्मा इन वन माइनस सिग्मा इन टू डिवाइड बाई टू। तो सिग्मा इन वन कितना आया था हमारा देख लेते हैं पीछे की ओर है, सिग्मा इन वन है 313.8 ओके, 313.8 माइनस सिग्मा एन टू माइनस में है हमारा 163.8 ओके माइनस डिवाइड बाय टू। अभी इसका हम आंसर लेंगे, तो पहले इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ओके। ये जो है 313.8 माइनस माइनस प्लस,
प्लस 163.8 ओके डिवाइड बाय 2 238.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ओके। तो ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा टेंसाइल। चलो उसके बाद नेक्स्ट है लोकेशन, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। लोकेशन मीन्स अल्फा वन ने अल्फा टू ओके। तो अल्फा वन के लिए कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, टेन टू अल्फा वन इज इक्वल टू टू टाउ डिवाइड बाई सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, यानी अल्फा टू इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस 90 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेन टू अल्फा वन इज इक्वल टू टू टाइम्स टाउ डिवाइड बाई सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। अब इसका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। तो टाउ टाउ हमारा कितना था, तो गिवन डेटा में 80 ओके, एंड सिग्मा वन 300, सिग्मा टू माइनस 150, 280, 300 माइनस माइनस 150 ओके, सिग्मा वन 300, सिग्मा टू माइनस 150। अभी इसका आंसर लाते हैं 80 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब ये 160 हो जाएगा, और डी ये 160 डिवाइड बाय 300 प्लस 150 तो ये 450 हो जाएगा, 450 ओके। यहाँ पे हमारा 10 टू अल्फा 1 है ठीक है, 10 टू अल्फा 1 देयरफॉर 10 टू अल्फा 1 इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 450 तो ये हो गया 0.35 ओके 0.35। नाउ 2 अल्फा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 2 अल्फा है तो हमको अल्फा 1 फाइंड करना है, तो 2 अल्फा 1 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.35। अभी इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमको 10 दिया हुआ है, ये ऊपर की ओर स्विच पे दबाएंगे तो 10 आएगा, और शिफ्ट करके ओके शिफ्ट करके ये जो शिफ्ट है ओके वापस बताता हूँ, ये शिफ्ट करके ये शिफ्ट आ गया यहाँ, शिफ्ट करके 10 दबाएंगे 10 इनवर्स आ जाएगा ओके। तो 10 इनवर्स 0.35 तो कितना आया 19.29 टू अल्फा वन ओके। देयरफॉर अल्फा वन इज इक्वल टू 19.29 डिवाइड बाय 2 तो 19.29 डिवाइड बाई 2 तो ये हो गया 9.64 ओके। 10 इनवर्स 0.3 19.64 ओके 9.64 अल्फा 1 तो ये हमारा लोकेशन अल्फा वन हो गया। नाउ अल्फा टू के लिए अभी, तो अल्फा टू क्या फॉर्मूला है अल्फा टू का, तो अल्फा टू इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस 90 डेल फोर अल्फा टू इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस 90 डिग्री। तो अल्फा वन हमारे पास है 9.64 प्लस 90 तो कितना होगा 99.64 ओके ये हमारा हो गया अल्फा टू क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा एग्जांपल जो है कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले जो दिया था वो गिवन डेटा लिख लिया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस ओके, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, फॉर्मूला देख लेना यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस बाकी सब सेम है ओके। फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मतलब अल्फा वन एंड अल्फा टू ओके। थैंक यू।